हेलो गाइस, मैं कार्तिक और आपका स्वागत है मेरी नई यूट्यूब की वीडियो में। सो गाइस, होप करता हूँ आपको लास्ट वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, जो कि था माय फर्स्ट डे इन कॉलेज इन कनाडा। तो वो वाला ब्लॉग मैंने गाइस अपलोड कर दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लेना। तो आप सोच रहे होगे कि मेरे हाथ में ये क्या है, तो चलो इसकी स्टोरी बताता हूँ आपको। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, कार्तिक मैंगी, ठीक है। सो चलो लेट स्टार्ट द ब्लॉग। सो आपको पता है गाइस, मैं कॉलेज में गया था थर्सडे को, तो थर्सडे तक सब कुछ बढ़िया था। मैं कॉलेज से आया है ना अपने घर पर, सब कुछ बढ़िया था। फिर फ्राइडे को मेरे काम की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो जिम चलते हैं। तो जिम मेरे को हो गया एक दो महीना जिम करते हुए, तो मैं जिम चला गया अपना फ्राइडे को, ठीक है। सो जब मैं जिम गया तो वहाँ पे मैंने चेस्ट मारनी थी, तो इंक्लाइंड बेंच पे, बेंच को मैंने थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन करा और डंबल से मैंने ऐसे अपनी चेस्ट वाली एक्सरसाइज मारनी थी, ठीक है। तो दोनों हाथ में मेरा था अपना 50-50 पाउंड का डंबल था, तो यूजुअली मैं कर लेता था 40 पाउंड से। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा वेट बढ़ा के देखते हैं, इस ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो कि है पोटेंशियल कितनी है, ठीक है। तो मैंने 50 पाउंड का डंबल लिया और अपना मैं एक्सरसाइज करने लगा, ठीक है। तो अचानक से जो मेरी रिस्ट थी ना वो यूँ हो गई, तो ये रिस्ट में मतलब थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया, पता नहीं क्या हुआ। तो उस वक्त मेरे को इतना पता नहीं चला, क्योंकि उस वक्त बॉडी गर्म थी, है ना। तो मैंने अपना वर्कआउट कंटिन्यू करा, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि मेरी ये वाली रिस्ट बिल्कुल बढ़िया थी, है ना, लेफ्ट वाली। बट राइट वाली में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब ये रिस्ट यूँ भी नहीं हो रही थी। तो बट मैंने अपना वर्कआउट पूरा करा, तो फिर हम अपने घर पर गए, है ना। मैंने सोचा थोड़ा वॉलिनी लगा लेते हैं, तो मैंने वॉलिनी लगाई और मैं सो गया। बट सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि पूरा ये वाला हाथ सूज रखा है। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको, अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो ये वाला हाथ ठीक है, लेकिन ये वाला हाथ अभी भी थोड़ा सूज रखा है। तो फिर मैंने अपने घर वालों से बात करी, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप जो है डॉक्टर को दिखा लो। तो डॉक्टर्स का गाइस यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है। तो मैं वॉक इन क्लिनिक में गया, तो उन्होंने पहले कहा कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वहाँ पे मैम थी, उन्होंने सजेस्ट करा अगर आपको ज़्यादा पेन है तो आप अर्जेंट केयर में चले जाओ और वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछी कि आपके पास हेल्थ कार्ड है क्या। तो अगर आपको जिसको नहीं पता कि हेल्थ कार्ड क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। हेल्थ कार्ड गाइज यूजुअली मिलता है वर्क परमिट होल्डर्स को, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कैनेडा में हेल्थ केयर जो है बिल्कुल फ्री है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी आते हैं उनको कॉलेज वाले ही हेल्थ इंश्योरेंस करके देते हैं। तो मैं जब जब अपनी फ़ीस भरता था ना, जैसे पहले साल की मेरी फ़ीस थी अराउंड $15,000, तो उसमें ना $500-600 की हेल्थ इंश्योरेंस थी। और मुझे हमेशा देते हुए बड़ी ज़्यादा चुभती थी कि यार ये तो यूज़लेस है ना, कि हमने कभी यूज़ तो करनी नहीं। तो बट चलो ठीक है। तो जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर था वो था गार्ड में, तो मैं, उन्होंने कहा अर्जेंट केयर में चले जाओ। तो मैं अर्जेंट केयर में नहीं गया, तो मैं चला गया ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल। तो ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में मैं एमरजेंसी में गया था, तो वहाँ पे नर्स आई, पहले उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक करा, फिर उन्होंने मेरा बुखार चेक करा, और फिर उन्होंने मेरे से पूछा आपके पास हेल्थ कार्ड है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास हेल्थ कार्ड तो नहीं है। फिर उन्होंने पूछा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने कहा हाँ जी। मैंने अपना कार्ड दिखा दिया उनको, तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, जो भी पैसे हैं वो हम आप डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस वालों को भेज देंगे, तो आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। भगवान ना करे कि आपको कभी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत पड़े, है ना, कभी आपको क्लेम लेने की ज़रूरत पड़े, भगवान करे आप बिल्कुल स्वस्थ रहे, है ना। बट कुछ पता नहीं होता बुरे समय का, है ना। मुझे भी क्या पता था, मैं अच्छा भला हंसता खेलता कॉलेज से घर आया, ब्लॉग एडिट करा और जिम में गया, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो पहले मैं डर गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे से साइन करवाया, वहाँ पे कम से कम $1,000 $1,500 लिखा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या सीन है इसका। तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, हम जो डायरेक्ट बिल है आपके हेल्थ इंश्योरेंस को भेज देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे 1-2 घंटा बिठाया, फिर मेरा सारा एक्सरे वगैरह हुआ, है ना। तो फिर अपना वहाँ पे डॉक्टर आई, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने उनको बताया कि वैसे वेट लिफ्ट कर रहा था तो हो गया। तो उन्होंने कहा डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल मोच आ गई है, फ्रैक्चर नहीं हुआ, मैंने आपका एक्सरे देख लिया, तो नॉर्मल मोच है। तो
मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे दी एक डॉक्टर की, वो स्पेशलाइज है रिस्ट वगैरह में। उन्होंने कहा 15 दिन बाद आप आना, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और उन्होंने कहा घर जाओ अपना, यहाँ पे बर्फ़ की सिकाई करो, ठीक है, अपना गर्म पानी की बोतल की सिकाई करो, और शॉपर ड्रग मार्ट से अपना ये ले लेना गर्म पट्टी, ताकि आपकी जो रिस्ट है वो ज़्यादा मूव ना हो इससे। तो ये तो मैं इंडिया से लेकर आया था, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मुझे कल एक चीज़ पता चल गया कि हेल्थ इंश्योरेंस सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं कह रहा हूँ मुझे चुपती थी हमेशा, $600 36,000 रुपये मैं हर बार देता था, हर साल देता था अपने कॉलेज को हेल्थ इंश्योरेंस का, है ना, 36,000 इज़ अ बिग अमाउंट, राइट। बट कल मुझे पता चला कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट देख रहा है सो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो हमारे पास हेल्थ कार्ड तो नहीं होता है ना, तो सबसे पहले तो खुद ही अपना ध्यान रखो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे मम्मी पापा तो है नहीं, जो करना है हमने खुद ही करना है। अब मेरा हाथ टूट गया, ठीक है, तो मेरे 2 से 3 हफ्ते काम की भी छुट्टी हुई, हालांकि मेरा इलाज फ्री हुआ, लेकिन नुकसान तो मुझे हुआ ना, $1,500-2,000 जो मैंने 2-3 हफ्तों में कमाने थे वो मैं नहीं कमा पा रहा, राइट। तो यहाँ पे अपना ख्याल खुद रखो, अच्छा खाना पीना खाओ, ठीक है ना। मैं अपना इंडिया से लाया था दवाइयाँ, बीच में मैं 2-3 बार बीमार भी हुआ था, कभी मेरे को डायरिया हो गया तो कभी मेरे को जुकाम हो गया, बट वो मेरी इंडिया वाली दवाइयाँ चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया वाला हिसाब किताब नहीं है कि आप केमिस्ट पे जाओ, यहाँ पे हम अपने डॉक्टर खुद नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया वाला हिसाब किताब नहीं है कि आप केमिस्ट पे जाओ, फार्मेसी पे जाओ, उनको बोलो भी मेरा पेट दर्द हो रहा है, 2 दवाइयाँ 2 गोलियाँ दे दो, वो आपको दे दे, आपने गोलियाँ खा ली और आप ठीक हो गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई मेडिसिन नहीं मिलती, आपको पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और वो भी अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो $50 से $60 की पहले अपॉइंटमेंट, फिर दवाइयों का खर्चा अलग। तो यहाँ पे तो दवाइयाँ ही जो है बंदे को खा जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे $100-150 से नीचे की कोई गोली है ही नहीं। मैंने देखा यहाँ पे उस दिन मैं गया था शॉपर ड्रग मार्ट, अभी आपको शॉपर ड्रग मार्ट पे भी लेकर चलूँगा, तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम है तो एक गोली है टायनॉल, वो आपको आराम से मिल जाएगी बिना प्रिस्क्रिप्शन के, है ना, तो वो आप खाओ आराम से, ऐश करो। बट अगर आपको नहीं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी पड़ेगी, तो आपको दवाइयाँ मिलेंगी। तो हेल्थ केयर इन कैनेडा गाइस, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो महंगा है, अगर आपके पास है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस का भी अलग अलग सीन है ना। अब जो ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने डायरेक्ट बिल भेज दिया मेरी हेल्थ इंश्योरेंस को। अब कभी कभी होता है कि पहले हमको बिल पे करना होता है, फिर हमको रिबर्समेंट मिल जाती है, हम क्लेम डाल देते हैं ना। तो अगर कल तो मेरे पास तो कल $1,500-2,000 थे ही नहीं, तो मैं कहाँ से देता, नहीं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने डायरेक्ट बिल जो है मेरी हेल्थ इंश्योरेंस वालों को भेज दिया, नहीं तो अपने को तो चूना लग जाता। तो बट चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट इसमें क्या ही अच्छा ही है। बट 2 से 3 चीज़ें सीखी गई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि सबसे पहले तो कैनेडा में अपने दोस्त अच्छे बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे आपके पेरेंट्स तो नहीं है। अब दोस्त बेशक एक हो बट वो नेक होना चाहिए आपका दोस्त, है ना। अब कई मेरे सुबह से कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई तो ठीक है ना, अगर तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तू बता, हम आ जाते हैं, तेरे को ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है बोल, हम ग्रॉसरी की शॉपिंग करवा जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके। सो सबसे पहले बात हो, आप अपने कैनेडा में दोस्त अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो आप सही होगे, क्योंकि अगर आप गाइस 5 नलायकों में बैठोगे तो 6ठे नलायक आप ही बनोगे, ठीक है ना। तो जो अपना फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सुधारो। और दूसरी बात है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अपनी हमेशा करा के रखो। अगर किसी की हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायरी है तो उसे रिन्यू करा लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पता होता। अब मुझे भी क्या पता था, मैं तो अच्छा भला जिम 2 महीने से जा ही रहा था, अब अचानक से ये यूँ हो गई मेरी कलाई, तो इसमें मेरी भी क्या गलती नहीं। तो मैं गया एमरजेंसी में, हो गया मेरा इलाज। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ी यहाँ पे सेविंग्स भी रखो। अब मेरे पास सेविंग्स पड़ी थी, है ना, तो अगर मैं 3-4 हफ्ते या 1 महीना काम नहीं भी करूँगा तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स पड़ी हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि थोड़ी सी सेविंग्स यहाँ पे करके रखा करो, ठीक है ना, क्योंकि मुश्किल समय का बुरे समय का कुछ नहीं पता होता, कभी भी आ सकता है। तो सेविंग्स भी अपने यहाँ पे करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बस मैं उस दिन गया ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल, कम से कम मेरे 4 घंटे लग गए। और अपना डॉक्टर ने देखा, अच्छे थे डॉक्टर, मोस्टली इंडियन थे। तो पहले मेरा एक्सरे करवाया उन्होंने अलग अलग साइड से, फिर उन्होंने बोला नहीं हड्डी तो आपकी नहीं टूटी है, बस आपको मोह चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जो मेरा काम है वो भी उसमें थोड़ी हैवी लिफ्टिंग इन्वॉल्व है, उसमें हमको पैलेट्स बनाने होते हैं,
उसमें कम से कम 25 पाउंड का बॉक्स होता है, तो डॉक्टर ने कहा वेट लिफ्ट अभी बिल्कुल भी मत करना, तो मुझे इसलिए छुट्टी लेनी पड़ी काम से भी 2 से 3 हफ्ते की। बाकी आज मौसम अच्छा था गाइस, देख लो काफ़ी बढ़िया धूप है, हवा भी चल रही है। मुझे पता थोड़ी ऑडियो मेरी क्लियर नहीं होगी इसलिए मैं सॉरी मांगना चाहूँगा, बट मैंने कहा आज मौसम अच्छा है क्यों ना आपके लिए एक ब्लॉग ही बना दें। तो इस ब्लॉग में बस यही था गाइस कि बताना था कि हाथ अपना टूट गया, ठीक है टूटा तो चलो मोची आई है, हो जाएंगे महीने में ठीक। बट हेल्थ केयर इन कैनेडा के बारे में आपको बता दिया कि इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है। अगर आप इमरजेंसी में भी जाओगे तो इमरजेंसी में भी आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इंडिया में क्या था, इमरजेंसी में जाते थे उसी वक्त 2 से 3 डॉक्टर आ जाते थे आपके आसपास, आपको 1-2 इंजेक्शन ठोके दवाइयाँ दी चलो कर। लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है गाइस, यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो कम है और जो भी डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के ही हैं, ठीक है ना। और एक और आपको चलो एग्जाम्पल देता हूँ, उस दिन मेरा दोस्त था तो उसको लोहा लग गया था, तो जब लोहा लगता है आपको पता है मैंने टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना होता है ना, तो उसको लोहा लगा तो हम शाम को काम से आए तो उसने बोला चलिए इंजेक्शन लगवा ही लेते हैं, है ना। मैंने कहा नहीं, उसको लोहा इतना लगा भी नहीं था बट फिर भी उसने कहा सेफ्टी के लिए चलो लगवा लेते हैं। तो उस दिन हम गए कम से कम 3 से 4 वॉक इन क्लिनिक में गए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो डॉक्टर साहब से नहीं मिलेंगे, और डॉक्टर तो चलो तब मिलते जब डॉक्टर वहाँ पे होते, तो वॉक इन क्लिनिक में डॉक्टर ही नहीं थे, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा हाल है यहाँ पे, शाम को 6-7 बजे की बात है डॉक्टर थे ही नहीं। फिर अगले दिन हमारे घर के पास एक वॉक इन क्लिनिक, वहाँ पे मेरा दोस्त गया, उसने इंजेक्शन लगवाया टेटनस का, उसमें भी कम से कम $70 की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी और $15 का इंजेक्शन था, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि अपना फिट रहो, ठीक है ना, बाकी अच्छा खाओ पियो और क्या ही है यार कनाडा में, तो अपना फिट रहो बस। क्योंकि अगर इंडिया में तो था कि अगर आप बीमार भी हो गए है ना, तो मोस्टली लोगों के मदर या फादर वर्किंग होते हैं तो उनके अगर जो है इनकम आती रहती है ना, तो उनको रोटी वगैरह मिल जाती है ना। बट यहाँ पे कनाडा में ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप कनाडा में काम नहीं करोगे तो आपका खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे कि अब 2 से 3 हफ्ते मैं काम नहीं करूँगा तो जो मेरे को हफ्ते के $500 बनते थे वो नहीं बनेंगे, $1500 का मेरा नुकसान हो गया। बट चलो सीख ही मिली है इससे मेरे को भी कोई ना कोई, तो कि जिम में जितना लगे उतना ही वेट उठाओ, ज़्यादा लोगों को दिखाने के चक्कर में वेट मत उठाओ, ठीक है ना, नुकसान अपना ही होगा और किसी का नहीं होगा। अब दर्द मेरे को ही हो रही है, अब काम पे भी मैं नहीं जा पा रहा, बट चलो कोई ना। तो बस एक तो दोस्त अच्छे बनाओ, अपना फ्रेंड सर्कल जो है अच्छा रखो, किसी भी नशे वगैरह में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना अच्छा खाओ पियो, दूध दही मक्खन ठीक है बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया से डाइट करो, टिफ़िन लगवा लो अगर खाना बनाना नहीं आता। मैंने भी 3 से 4 महीने टिफ़िन ही लगवाया था, अब जब से मैंने जिम चालू करा है तो तब से मैं खुद खाना बनाता हूँ। बट ठीक है, खुद खाना बनाने के भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, बंदे को पता होता है कि हम अपने बिल्कुल हाइजीन से खाना बना रहे हैं ना, जो मन करे वो बना लो। और अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाओ क्योंकि कुछ नहीं पता होता। और तीसरी चीज़, सेविंग्स कैनेडा में ज़रूर रखो, $2000 अलग रख दो, ठीक है ना, उनको हमने छेड़ना ही नहीं। वो $2000 बेशक एक लॉकर में रख दो, वो आपके मुश्किल समय के लिए है, ये नहीं कि आप अब कपड़े ले लिए उसके, नहीं वो आपके मुश्किल समय के लिए हैं। तो वो मैंने रखे हुए थे तो इसलिए आज मेरे को जो इतनी तंगी नहीं हो रही, अगर मैं महीना घर पे भी रहूँगा सो इट्स ओके, ठीक है। सो चलो बहुत हो गया, आप भी सोच लोगे इसलिए मैं बहुत पका दिया, ठीक है ना। सो चलो अब आपको लेकर चलते हैं शॉपर ड्रग मार्ट, और वहाँ उस प्लाजे में चलो फ्रेस्को भी है, बहुत कुछ है, चलो आपको प्लाजा दिखाते हैं। और मेरा मन है कुछ खाने का, चिप्स वगैरह, तो चलो वो भी ले लेते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस प्लाजा में तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देखो ये चलो फ्रेस्को, सामने स्कॉशिया बैंक है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो पोपाइज, सबवे, सब कुछ है। और उस तरफ है हमारा शॉपर्स ड्रग मार्ट। तो चलो पहले देखते हैं ऐसे कुछ बढ़िया मिले तो ले लेंगे, नहीं तो फिर अपना आपको शॉपर्स ड्रग मार्ट पर दिखाते हैं दवाइयों का क्या सीन है। और अगर मेरा कुछ खाने का मन हुआ है, यहाँ पे मैकडोनल्ड, सबवे, सब कुछ है, तो कुछ खा भी लेंगे। सो चलो ये देखो गाइस, यहाँ पे केक का सेक्शन है और ये रहा हमारा इंडियन सेक्शन। यहाँ पे आपको गुड्डे के बिस्किट मिल जाएंगे, ऐसे बॉर्बन मिल जाएंगे, सामने मैगी है। सो देखते हैं अगर कुछ पसंद आया तो, चिप्स वगैरह, नहीं तो चलेंगे
क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना, तो शाम को सैर करने का बड़ा मज़ा आता है, तो मैं ऐसे निकल पड़ता हूँ, कभी टिम हॉर्टन से कॉफ़ी पी ली तो कभी कुछ। तो चलो देखते हैं आगे। मेरा पेठा मूँगफली, ये देसी घी वगैरह, सामने सारा चिकन है, तो देखता हूँ कुछ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे चलो फ्रेस्को में समोसा फैक्ट्री है, तो ये देखो यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको, मिठाइयाँ वगैरह। मेरा इनका मेन्यू पढ़ लो। तो फिलहाल एक ये मिला है बेस ब्लू वाला, बट मैं ढूंढ रहा हूँ ग्रीन वाला क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, बट लगता नहीं यहाँ पे ग्रीन वाला मिलेगा क्योंकि येलो है, ब्लू है, ग्रीन वाला नहीं है। तो मैं फिलहाल ये दो चीज़ें ले रही हैं, एक है केलॉग्स और एक है चिप्स। चलो बिल करवाते हैं और चलते हैं बाहर, फिर चलते हैं शॉपर ड्रग मार्ट। चलो गाइस, अब अपना शॉपर ड्रग मार्ट आ गया, अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है शॉपर ड्रग मार्ट से। लेट्स गो। यहाँ से गाइस आपको सारी दवाइयाँ मिलती हैं, बट जो अंदर दवाइयाँ पड़ी थी वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी, जो मैंने आपने देखा अंदर दवाइयाँ पड़ी थी, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से बिना मिल सकती हैं, तो चलो आपको वो दिखाते हैं। लेट्स गो। जैसे कि ये देखो, अगर किसी के फंगस लगी है पैर में तो ये नॉर्मल दवाइयाँ तो आपको मिल जाएंगी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी। और दूसरे सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे और भी हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें, ये सब आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वगैरह मिल जाएगी। कल मैं ये लेकर गया था आइस पैक, देखो $20 का, 1200 का, इंडिया में 100 रुपये का मिलता है। और ये आँखों में डालने वाली दवाइयाँ, नाक में डालने वाली दवाइयाँ, ये सारी भी आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकती है, ठीक है। तो देख लो आप, छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे सिर दर्द हो गया, ज़ुकाम हो गया, वो तो आपको बाहर पड़ी हुई मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कुछ है तो फिर आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लाना पड़ेगा और तभी आपको दवाइयाँ मिलेंगी। फिलहाल मैं ये देख रहा था बेसबॉल बैट। सो चलो भाई, सब घर पर चलते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। लेट्स गो। कह दी कि हेयर स्प्रे भी ले ली, सेल पे है $6 की। सो एक ही हेयर स्प्रे देख लेते हैं। और ये सारा ब्यूटी सेक्शन है, यहाँ पे सारे कॉस्मेटिक और फ्रेग्रेंसेस मिलते हैं। और कुछ तो मेरे को दिख नहीं रहा वैसे मेरे टाइप को। चलो फिलहाल यही लेते हैं और चलते हैं घर पे। सो चलो अब घर चलते हैं। पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे, मेरे पीछे आप देख सकते हो पोपाइज वगैरह है, कोई बर्गर वगैरह खा लूँ, पिज़्ज़ा वगैरह खा लूँ, लेकिन फिर याद आया हम तो डाइटिंग पे हैं, तो मेरे घर के पास, आपको पता है इंडियन पंजाबी बाज़ार है, तो वहाँ से मैंने सोचा कढ़ी चावल ले लेते हैं, और थोड़ा मैंने चिकन भी बना के रखा हुआ है अपने लिए, तो रात का डिनर का तो अपना सीन हो गया अब सेट। सो चलो पहले उसको घर पर रखते हैं, फिर चलते हैं इंडियन पंजाबी बाज़ार कढ़ी चावल लेने। तो भाई चलो टिम हॉर्टन चलते हैं, वोरा प्लाजा, इंडियन पंजाबी बाज़ार, वहाँ से कढ़ी चावल लेंगे, लेकिन पहले कॉफ़ी पीते हैं। चलो। सो भाई, जब टिम हॉर्टन से कॉफ़ी ली है, आइस कैप, उसके बाद चलते हैं इंडियन पंजाबी। देखो भाई, इंडियन पंजाबी बाज़ार है, तो मंजी भी मिल जाएगी, इंदा भी, बेड भी मिल जाएगा, बाकी सारा इंडिया का सामान। हम आप कढ़ी चावल लेने तो फिर जाने अपने घर। सो गाइस, कढ़ी चावल ले लिए इंडियन पंजाबी बाज़ार से, वो अपने घर जा रहा हूँ, फिर डिनर करते हैं और व्लॉग को एंड करते हैं। बस आज के व्लॉग में यही था गाइस, आपको अपडेट देना था कि अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में स्प्रे ना आ गया, तो मे बी अब व्लॉग्स भी मैं रेगुलर ना डाल पाऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। सो चलो घर चलते हैं। तो
फाइनली गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, होप करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे आईडी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सो आज के ब्लॉग में एक अपडेट ही देना था गाइस कि हाथ में थोड़ी सी मोच आ गई है, ठीक है। अब मैं वैसे बहुत कुछ सोच रहा था कि अपना कॉलेज का कैंपस का टूर दूंगा, बट अभी मेरे सेमेस्टर में है 3 से 4 महीने, तो आपको कैंपस का टूर तो दूंगा, बट मे बी अब ब्लॉग थोड़े थोड़े दिनों बाद आए, क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ अपना हाथ को रिकवर कर लूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।